अब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के सबसे धाकड़ अभिनेताओं की बात करें तो सनी देओल का नाम सबसे ऊपर आता है। साल 1982 में आई एक फिल्म के जरिए ये अपना पहला कदम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में रखते हैं। फिल्म का नाम था बेताब। अब भले ही ये फिल्म रोमांटिक फिल्म थी, लेकिन सबके बावजूद उन्हें असली कामयाबी अपनी एक्शन से लबरेज फिल्मों से मिली। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सनी देओल ने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान कई सारी एक्शन से लवरेज फिल्में की हैं। उन फिल्मों की खुमारी आज भी बरकरार है, साथ ही देशभक्ति के मामले में भी सनी देओल का कोई भी तोड़ नहीं है। हालांकि भले ही सनी देओल आज बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो, लेकिन सबके बावजूद उनके स्टारडम पर कोई भी कमी नहीं देखने को मिली है। आज भी उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड चल रहे हैं, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही सनी देओल ज्यादातर फिल्मों में नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से अब वो बॉलीवुड की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। इस समय उनकी फिल्म गदर 2 को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट छाई हुई है, क्योंकि इस फिल्म को 2022 में रिलीज किया जाना है। 2001 में आई इस फिल्म के पहले भाग को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था और फिल्म की कहानी को जिस हिसाब से बड़े पर्दे पर दिखाया गया था वो भी काफी ज्यादा लाजवाब था। ऐसे में फिल्म के अगले भाग का काफी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। खैर, सनी देओल का रुतबा ही ऐसा है कि उनकी एक झलक पाने के लिए हमेशा से ही फैंस उत्सुक रहते हैं। लेकिन सनी देओल बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक हैं जिनका शानदार फिल्मी सफर रहा है, और इस शानदार फिल्मी सफर के दौरान उन्होंने अपने दौर के कई सारे अभिनेताओं के साथ काम किए हैं और उन अभिनेताओं के साथ उनकी जोड़ी को भी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। लेकिन दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए कई ऐसे भी सितारे हैं जिनके साथ सनी देओल आज तक फिल्म में नहीं नजर आ पाए, और इस लिस्ट में सबसे पहले हम नाम लेने वाले हैं गोविंदा की। अब गोविंदा की बात करें तो 80 के दौर में जब सनी देओल बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, तब इन्होंने भी अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 90s का दौर आते आते गोविंदा चारों तरफ छा गए थे। आलम तो यूं था कि गोविंदा की बहुत ज्यादा डिमांड हो गई थी और लोग उनकी फिल्मों को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। भले ही उनकी पहली डेब्यू फिल्म डांस पर आधारित थी, लेकिन जब वो कॉमेडी में आए तो कॉमेडी में उन्होंने तहलका मचा दिया। आलम तो यूं था 90 के दौर में कि गोविंदा को अपनी फिल्मों में कास्ट करवाने के लिए तमाम निर्माता निर्देशक तरह तरह के जतन करते थे। एक साथ वो एक दिन में करीब 6-7 फिल्मों की शूटिंग किया करते थे, और ऐसा स्टारडम आज तक किसी भी बड़े सुपरस्टार की किस्मत में नहीं नजर आया। वही दूसरी ओर अगर सनी देओल की बात करें तो आज तक वो किसी भी फिल्म में सनी देओल के साथ नहीं नजर आए, और इसके पीछे का रीजन क्या है? एक बार गोविंदा ने खुद ही इस बात को दुनिया के सामने रखा था कि मेरी छवि एक्शन फिल्मों के लिए कभी भी नहीं बनी, मैं कॉमेडी में ही बहुत ज्यादा खुश रहा, इसलिए मेरी जोड़ी शायद सनी देओल के साथ फिल्मों में नहीं नजर आ पाई। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि गोविंदा सनी देओल के पिता धर्मेंद्र की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं और वो उन्हें अपना आइडल भी मानते हैं। धर्मेंद्र के प्रति उनका प्यार हमेशा से ही देखने व सुनने को मिलता ही रहता है, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने कभी भी सनी देओल के साथ काम नहीं किया। और इसी कड़ी में अब दूसरे बड़े अभिनेता की बात करें तो इनका नाम है अजय देवगन। अब जब इंडस्ट्री में सनी देओल डेब्यू कर चुके थे तो करीब 7-8 साल बाद बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अजय देवगन ने कदम रखा था, और फूल और कांटे इनकी पहली डेब्यू फिल्म थी। पहली इनकी डेब्यू फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई और एक्शन के मामले में अजय देवगन का भी कोई तोड़ नहीं देखने को मिला। फिल्म की कहानी से लेकर फिल्म के गाने को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, और दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर अजय देवगन का एंट्री वाला सीन आज भी लोगों के बीच में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन सनी देओल के साथ अजय देवगन भी किसी बड़ी फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। हालांकि यहां पर हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे, ये रास्ते हैं प्यार के और पोस्टर बॉयज में ये स्पेशल अपेयरेंस के तौर पर एक दूसरे की फिल्मों में नजर आ चुके हैं। ये रास्ते हैं प्यार के 2001 में रिलीज हुई थी, और इस फिल्म के स्पेशल अपेयरेंस रोल में अभिनेता सनी देओल नजर आए थे, और एक छोटे से रोल में वो इस फिल्म का हिस्सा बन पाए थे। लेकिन किसी भी फुल फ्लेश्ड फिल्म में सनी देओल और अजय देवगन एक साथ नहीं नजर आए। इसके बाद पोस्टर बॉयज जो सनी देओल की फिल्म थी, इस फिल्म में अजय देवगन नजर आए थे स्पेशल अपेयरेंस के तौर पर, और इस फिल्म को 2017 में रिलीज किया गया था। हालांकि अजय देवगन और सनी देओल किसी बड़ी फिल्म का हिस्सा तो नहीं बने, लेकिन इन दोनों के बीच में दोस्ती काफी गहरी है। अब हो सकता है कि आने वाले समय में क्या पता सनी देओल अजय देवगन के साथ किसी बड़ी फिल्म का हिस्सा बन जाए। और इसी कड़ी में अब तीसरे बड़े अभिनेता की बात करें तो उनका नाम है खिलाड़ी अक्षय कुमार। अब अजय देवगन के साथ ही लगभग आसपास अक्षय कुमार भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखे थे, और जैसे कि आज के दौर में आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक अक्षय कुमार का नाम सबसे ऊपर आता है, साथ ही वो बॉलीवुड के सबसे महंगे अभिनेताओं में से एक है। लेकिन ये स्टारडम उन्होंने ऐसे ही हासिल नहीं किया। लगभग अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान जितनी इन्होंने हिट फिल्में दी हैं, लेकिन एक बार ऐसा भी समय आया जब इनकी लगातार 12 फिल्में फ्लॉप साबित हुई थी। तभी इन्हें ये लगा कि शायद अब मैं इंडस्ट्री से आउट हो जाऊंगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर इन्होंने इतना बड़ा स्टारडम हासिल करके दिखाया कि मौजूदा दौर में साल भर में एक 3-4 फिल्में कर ले जाते हैं।
अब सनी देओल के साथ इनकी अगर बॉन्डिंग की बात करें तो जानी दुश्मन में इन दोनों अभिनेताओं ने स्क्रीन शेयर किया, लेकिन ये किसी एक सीन का हिस्सा नहीं बने थे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2002 में इस फिल्म को रिलीज किया गया था। राजकुमार कोहली के निर्देशन में बनी ये फिल्म मल्टी स्टार थी, जिस फिल्म में कई सारे बड़े कलाकार थे और इसी फिल्म के जरिए अभिनेता सनी देओल और अक्षय कुमार भी किसी एक बड़ी फिल्म का हिस्सा बने थे। और इसके बाद 2019 में आई फिल्म ब्लैंक के जरिए अक्षय कुमार सनी देओल की फिल्म के साथ जुड़े थे, लेकिन इस फिल्म में उनका काम सिर्फ स्पेशल अपीयरेंस के तौर पर ही नजर आया और इस फिल्म के गाने अली अली में अक्षय कुमार नजर आए थे। इसी के साथ ही हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार का आमना सामना सनी देओल के साथ हो चुका है और सनी देओल के साथ उनका झगड़ा काफी पुराना है और इसके पीछे की वजह बनी थी बॉलीवुड की हसीना रवीना टंडन। रवीना का अक्षय से ब्रेकअप हुआ था और उस दौरान रवीना सनी देओल की फिल्म में काम कर रही थी। काम के दौरान सनी और रवीना में अच्छी दोस्ती हो गई थी, तब रवीना ने अपने साथ अक्षय के धोखे का जिक्र किया था। रवीना को इस कदर टूटते देखकर सनी देओल को काफी गुस्सा आ गया और अक्षय कुमार से वो लड़ने पहुंच गए थे। बताया तो यह गया कि अगर लोग बीच बचाव नहीं करते तो शायद सनी देओल का हाथ अक्षय कुमार पर उठ जाता। हालांकि इस बात को बीते कई साल हो गए और मौजूदा दौर में सनी देओल और अक्षय कुमार के बीच में शायद वो झगड़ा खत्म भी हो चुका है, लेकिन सबके बावजूद अक्षय और सनी देओल किसी बड़ी फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। तो दोस्तों, ये थे बॉलीवुड के तीन बड़े सितारे, जिन तीन बड़े सितारों के साथ सनी देओल कभी भी फुल प्लस फिल्म में नहीं नजर आ पाए और ये तीनों सितारे मौजूदा दौर में काफी ज्यादा लाइमलाइट में भी रहे हैं।